दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे धनिया के थेपले। जैसे आपने मेथी के थेपले देखोगे, पालक के देखोगे, हम धनिया यानी हरी पत्ती धनिया आती है, इसको कोथमीर बोलते हैं दोस्तों, तो हम उसके आज थेपले बनाने वाले, बहुत इजी और आसान और टेस्टी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने आधा बाउल गेहूं का आटा लिया हुआ है। दोस्तों हमें गेहूं का आटा लेना है, ये बहुत अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं, एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। और यहाँ पर हमने आधा बाउल दही लिया हुआ है, घर का दही है, खट्टा वाला दही नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल दही चाहिए। यहाँ पे मैंने एक टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हल्दी, यहाँ पे 6 या 7 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे दर दर हमने पीस लिया हुआ है। तीखा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको हरी मिर्ची का नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैं धनिया ऐड करूंगी एक बाउल, क्योंकि हम धनिया के थेपले बनाए रहे तो हमें धनिया ज्यादा ही चाहिए। और यहाँ पे 5 चम्मच ऑयल, तब हमारे थेपले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ऑयल थोड़ा ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको पहले हाथों से एकदम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, हमें जितना पानी लगेगा हम उतना डालेंगे। पहले ऐसे हमें हाथों से अच्छी तरह से डो बना लेना है, बाद में हम इसका पानी ऐड करेंगे। दोस्तों और अच्छी तरह से ये डो बराबर परफेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो डो अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे थेपले अच्छे नहीं बनेंगे धनिया के। अभी हम पानी ले लेंगे थोड़ा, हमने पानी ऐड नहीं किया है तब तक हम ये कर लेंगे। हमको पहले अच्छी तरह से जो मसाला हमने ऐड किया था वो बराबर परफेक्ट बना लेंगे, ऐसे हमें पैक होना चाहिए तो हमें समझ में आएगा हमारा थेपला एकदम सॉफ्ट बनने वाला है, खाने में एकदम टेस्टी होने वाला है। अभी हम पानी ऐड करेंगे, हल्का हल्का पानी डालना है, ज्यादा पानी डालना नहीं हमें, टाइट आटा यानी डो हमें चाहिए, क्योंकि हमने दही डाला है, दही में भी पानी होता है। आप किधर घूमने गए दोस्तों कहाँ, तो आप ये थेपला आराम से ले जा सकते हो, ये 8 दिन या हफ्ते 1 हफ्ते तक अच्छी तरह से रहते हैं। हमें एकदम अच्छी तरह से डो बनाना है, आप देख रहे हो ये डो अच्छा बना तो आपका थेपला अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत कम पानी डाला है मैंने, आधा कप से भी कम डाला है पानी। वो हाथों में भी आटा मेरे चिपक नहीं रहा, एकदम क्लीन हो रहा है हाथ मेरे। इसी तरह से हमें डो बनाना है, इसको 1 घंटे के लिए हम रेस रखेंगे, 1 घंटे के लिए इसको ढक देंगे। 1 घंटा हो गया है दोस्तों, हम ओपन करेंगे डो, हमें देख लेंगे कैसा। देखो बहुत कम हमने पानी डाला था, एकदम सॉफ्ट हो गया ये, ऐसे डो होना चाहिए हमारा। भाई यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच जैसा, कि डो को हम एकदम पूरा चिकना कर लेंगे। 1.5 चम्मच डाल देना ऑयल, खाली डो चिकना होना चाहिए बस। इस एकदम परफेक्ट डो हो गया हमारा, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी हम एक चकला ले लेंगे रोटी बेलने वाला, थोड़ा हल्का चकले को भी ऑयल लगा लेंगे और डो ले लेंगे और छोटी छोटी लुइया बना लेंगे। इसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना दिए। अब इसको स्वीट साइड रख देंगे बाउल में के अंदर, फिर इसको हम ऐसे हाथों से बीच में से ऐसे दो अच्छी तरह से लुई बना। यहाँ पे हमने गेहूं का आटा नहीं लगाना है दोस्तों, हम डायरेक्ट ही बेले गए,
हमने गैस पे तवा रख दिया है गरम करने के लिए, हल्का सा ऑयल। थोड़ा मोटा ही चाहिए, पतला नहीं चाहिए हमें, वो छोटे छोटे हम थेपले बनाने वाले। इसी तरह से ऑयल लगा के ही बेलना है हमें, गेहूं का आटा नहीं लगाना है। देख रहे हो हमें ऐसे होनी चाहिए थेपले। अभी गैस पर हम तवा रख दिया हुआ है, यहाँ पर हमने तवा रखा है, तवा हम देख लेंगे गरम हुआ, थोड़ा हल्का सा ऑयल डालेंगे। गरम हो गया हमारा तवा और अभी यहाँ पे थेपले डाल देंगे। देख रहे हो तब तक हम दूसरा बेल लेते वैसे ही सेम। लोखंड की कढ़ाई में ही करना है दोस्तों हमें। ऑयल डालिए हल्का सा, थोड़ा हल्का ऑयल। इसको बेलन से इसे धीरे 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 हम लोग इसे गोल गोल घुमा लेंगे बेलन से। गैस की फ्लेम स्लो कर लेना है हमें, तवा हमारा बहुत गर्म हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अभी दूसरा भी ऐसे ही बेल लेते हैं। दूसरा भी एक बेल के बताते हैं आपको दोस्तों। चकले को ऑयल लगा दिया है, ऑयल लगाने से क्या होता है बेलने में आसान तरीका हो जाता है और तुरंत हमारा थेपला निकल जाता है। और हमें छोटे छोटे थेपले बनाने, आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हो, आपके हिसाब से साइज कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। मैं छोटा इसलिए बना रही हूँ कि अच्छे लगते हैं टेस्ट में खाने में। इसी तरह से अभी हम तवे पर रख देते हैं। देख रहे हो ऑयल डालेंगे थोड़ा, और गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है, अभी बहुत गर्म हो गया है तवा इसीलिए हमारा। आप इसको घी में भी सेक सकते हो दोस्तों। अच्छी तरह से करना है और एकदम घुमाना है बेलन और ये लेके दोनों साइड में ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके हमें घुमाते जाना है। इससे हमारा थेपला एकदम अच्छी तरह से बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और खाने में एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। थोड़ा हल्का तेल डालेंगे और ऑयल से क्या होता है, हमने अच्छी तरह से फ्राई किया मतलब अच्छी तरह सेक लिया तो ये एक हफ्ता आराम से रहता है थेपला हमारा। अब ये सब हम ऐसे ही, आप देख रहे हो कितना एकदम अच्छा बन गया है हमारा परफेक्ट थेपला, कलर भी एकदम अच्छा आ गया। अभी हम ऐसे ही सब बेल लेते हैं दोस्तों। मैंने कैसे बना दिए धनिया का थेपला, और टेस्टी है और हेल्दी और अच्छा बना है। एक मैं हाथों में लेके बताती हूँ आपको, एकदम पतली हो गई है, देखो एकदम सॉफ्ट हो गया है एकदम अच्छी तरह से, आप देख रहे हो एकदम, है ना। हमें ऐसे थेपले होने चाहिए, मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। देखो एकदम हल एकदम आसान तरीके से टूट जा रहे हैं, है ना एकदम। इससे मालूम पड़ रहा है हमारा थेपला एकदम परफेक्ट बना है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।